जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई, कई बार संकटों का सामना उन्होंने किया, लेकिन अमिताभ बच्चन के हौसले के आगे हर मुसीबत कौन साबित हुई। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ना सिखाया, जिन्होंने संक्रमण को मात देने का मॉडल दिखाया, कोरोना से डरने का नहीं, कोरोना से लड़ने का मंत्र दिया। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। अमिताभ वो है जिन्होंने क्वारंटीन में भी वर्कआउट किया, जोश और जज्बे के साथ हर मुश्किल से लड़ने की प्रेरणा पूरे देश को देने वाले महानायक कैसे कोरोना से हार सकते हैं? यदि हम हार गए अमिताभ घर की किसी मुखिया की तरह सबका मार्गदर्शन करते रहे।
अमिताभ की यह खासियत है कि वो वक्त के साथ खुद को ढाल लेते हैं और देश के हर सुख दुख में साथ खड़े नजर आते हैं। फिर चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाना हो या हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत का सपना साकार करना हो। यही क्यों बदलते वक्त के साथ अमिताभ ने ये भी समझ लिया कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में उन्हें अपनी फिल्में फैंस तक पहुंचाने के लिए सिनेमा घरों की भी जरूरत नहीं। तभी तो सीधे आपके ड्रॉइंग रूम में आए मिर्जा नवाब बनकर। और जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस वक्त